हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज एक नए डिजाइन का डोरमेट बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सलाई ले ली है। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी की पट्टी बना के उससे ही बना सकते हैं, ऊन से ही बना सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और पहले सिलाई से ही आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने फंदे इसमें डाल रखे हैं। तो 10 फंदे मैंने इस कलर से डाले हैं, 5 फंदे येलो कलर से, 5 फंदे ये पिंक कलर से। तो 20 फंदे से मैं बना के बताऊंगी। आप जितना बड़ा बनाएं उस हिसाब से आप फंदे डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं पहली सिलाई से ही आपको बता रही हूँ। पांच फंदे हैं तो मैं 4 फंदे बुनूंगी। देखिए, 4 फंदे बुन लिए इस कलर से। अब एक कलर हम येलो कलर से बुनेंगे, ये भी मैं 4 फंदे बुनूंगी। तीन हो गए, 4, 1, 5। अब एक फंदा हम इस कलर से बुनेंगे। एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे ऊपर की साइड, ऊपर से एक एक फंदा कम होते जाएगा। तो देखिए, 2 फंदे मैंने बुन लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2 फंदे हम नीचे के साइड से छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम पीछे करेंगे इस तरह से, और ये धागा हम आगे ला के, और ये 5 फंदे हैं इसे बुन लेंगे। फिर इसको हम पीछे करेंगे और ये पिंक वाली आगे ला के, ये 4 फंदे हैं इसे बुन लेंगे। अब पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 3। अब एक फंदा हम इस कलर से, इस तरह से एक एक फंदा हम ऊपर की साइड बढ़ाते जाएंगे, नीचे से ऊपर तक जाएगी, और नीचे के साइड हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। देखिए, 2 पहले का 2। अब सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जिस कलर का उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब हम 2 ही फंदे बुनेंगे, क्योंकि एक एक फंदा करते हुए ये कम होता जाएगा। तो 2 फंदे रह गए हैं। फिर से हम 2 फंदा छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे।
मैं कम फंदे में इसलिए बता रही हूँ आपको कि जल्दी समझ में आ जाएगी और फिर आसानी से आप बना सकते हैं इसमें ज़्यादा फंदा डाल के। बड़ा इसी तरीके से बनेंगे, बनाने का सेम तरीका रहेगा, बस फंदे बड़े हैं। अब एक फंदा रह गया, फिर से हम दो फंदा छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। देखिए सीधी साइड कंप्लीट कर ली, तो इसको हम सीधी कर लेंगे। ये लास्ट का फंदा है, अब हम येलो कलर से बुन लेंगे इसे। ये पांच फंदे हमारे जो थे पिंक वाली, ये पूरी हो गई, सारे फंदे कम हो गए। अब रह गए येलो वाले का। जिस तरीके से मैंने ये पिंक वाले सारे फंदे को कम करे हैं और ये ग्रीन वाले सारे फंदे बढ़े हैं, उसी तरीके से येलो वाले कम होंगे और ग्रीन वाली बढ़ती जाएगी। अब ये पांच फंदे हैं तो ये भी एक एक करके कम होता चला जाएगा। देखिए अब चार फंदे रह गए हैं लोग के, दो फंदे फिर से हम छोड़ देंगे ग्रीन वाली। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें तीन फंदे बुनेंगे, एक फंदे फिर से हम ग्रीन से बुनेंगे। देखिए फिर से दो फंदे छोड़ेंगे, सिलाई को ऐसे पलट लेंगे। ये भी डिज़ाइन कोई ज़्यादा भारी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ये भी आराम से आप बना सकते हैं, जल्द बन जाती है ये भी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए ये एक फंदा रह गया आप येलो की और एक फंदा ग्रीन की रह गई। तो ये फंदा भी हम ग्रीन से बुन लेंगे। अब हम इस सारे फंदे को ग्रीन से ही बुनते हुए नीचे की साइड जाएंगे। एक एक करते हुए जो सारे फंदे को हम बुन लेंगे, ये दो दो फंदे जो छोड़े थे सारे फंदे को। देखिए ये आधी कली बनके कंप्लीट हो गई है। अब
इस साइड से भी हम एक सिलाई उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए सीधी साइड मैंने कंप्लीट कर ली। तो फिर से हम कलर इसमें लगाएंगे, तो एक फंदा हम ये येलो कलर वाली बुन लेंगे और आगे से हम दो फंदे ग्रीन वाले बुनेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। देखिए जिस तरीके से हम एक एक फंदा ये कम किए थे, अब फिर से वापस एक एक फंदा ये बढ़ता जाएगा। तो फिर से हम एक फंदा इसमें से ले लेंगे और ग्रीन से बुनते हुए एक फंदा ये बुन लेंगे, दो फंदा हम नीचे से ले लेंगे। सिलाई को यहीं से पलट लेना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दो फंदा ये बुन लेंगे सीधी साइड से, फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा ये, एक फंदा हम इसमें से ले लेंगे। फिर ये दो फंदे रहेगा ग्रीन वाली, तो दो फंदे ये और दो फंदे हम नीचे से, जिस तरह से हम नीचे से छोड़ रहे थे उसी तरीके से हम ऊपर से बुनते हुए नीचे तक जाएंगे। सिलाई को पलट के और जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। एक एक फंदा करके हम जो ऊपर बढ़ाए थे वो वापस हम नीचे लेके आएंगे। देखिए तीन फंदे हो गए ये येलो वाले, ये चार हो गए। और ये नीचे से हम दो दो फंदे बुनते जाएंगे। देखिए चार फंदे थे, अब पांच फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा उतारा और ये चार फंदे बुनेंगे, एक फंदा इसमें से, तो ये येलो कलर वाली पांच फंदे हो गए। और बाकी हम ये ग्रीन वाली बुनेंगे और दो फंदे फिर से हम नीचे से बुन लेंगे। सिलाई को पलट के और उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे दोनों कलर्स। इसको पीछे करेंगे, येलो वाले आगे लाके ये पांच फंदे हैं इसे बुन लेंगे। अब देखिए अब ये येलो वाले पांच फंदे हो गए हैं, तो अब हम पिंक वाली लगाएंगे। इसको सीधी कर लेंगे और पिंक वाली एक फंदा हम इसे यहाँ से बुन लेंगे इस तरीके से। और बाकी हम चार फंदे ये एक फंदे नीचे से ले लेंगे। अब पिंक वाली बढ़ेगी और ये पांच फंदे के पांच फंदे येलो वाले रहेंगे और दो फंदे ग्रीन वाली हम नीचे से फिर से ले लेंगे। देखिए एक दो, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसे बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदा ये पिंक वाली बुन ली, अब सिलाई को हम पलट लेंगे। अब देखिए अभी एक फंदे थे, अब हम दो फंदे बुनेंगे। पिंक वाली दो हो गई, और फिर से हम ग्रीन में से येलो वाले कलर से बुन लेंगे। तो ये पांच के पांच हो गए, अब बाकी हम इससे बुनेंगे।
फिर से हम दो फंदे नीचे से बुन लेंगे और सलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फिर से पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे ये हो गए, एक फंदा हम येलो से पिंक बना लेंगे और ये चार फंदे येलो वाले हैं तो ये पांच फंदे हो जाएंगे, एक फंदा हम येलो से ग्रीन वाले बुन लेंगे इस तरीके से, और बाकी फंदे को हम ग्रीन से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। दो फंदा फिर से हम नीचे से बुनते हुए वापसी हो जाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, एक फंदा मिल लिया, अब ये पिंक वाले चार फंदे हो गए, एक फंदा और रह गया है। फिर से हम दो फंदा नीचे से बुन लेंगे और सिलाई को पलट लेंगे। देखिए सीधी साइड से जो जैसा कलर है बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए पिंक वाली चार है तो पांच हो जाएगी, ये लास्ट सिलाई है। देखिए चार पिंक वाली थी, पांच हो गई, अब येलो वाली पांच हो जाएगी, चार और एक इसमें से ले लूँगी तो पांच हो जाएंगे, और बाकी फंदे को हम ग्रीन से बुनते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदे लास्ट के छूटे हुए हैं वो भी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कंप्लीट हो गई, तो ये अंदर वाली कली है ये कंप्लीट हो गई है, और जिस तरीके से ये आधी बनी थी आधी ये बन गई है। तो ये यहाँ से मैं ऊपर लेके आई थी, अब ये नीचे गई और फिर से हम वापस ऊपर लेके आएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी साइड से एक सिलाई, फिर दिखाते हैं। देखिए सीधी साइड से मैंने कंप्लीट कर ली, तो अब फिर से हम शुरुआत करेंगे कली। तो अब जिस तरीके से नीचे गई हूँ उस तरीके से आप ऊपर आऊँगी, तो फिर से हम एक एक फंदा ऊपर बुनते हुए जाएंगे। और नीचे के साइड से हम दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए दो फंदे छोड़ देंगे, सिलाई को हम यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से हमें जो जैसा कलर है उसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बार और देख लीजिए, पहला फंदा उतारा, अब हम तीन फंदा बुनेंगे, तीन हो गए, एक फंदा हम इससे बुन लेंगे, येलो वाले पांच के पांच ही है, और एक फंदा हम ये ग्रीन से बुन लेंगे। पहले नीचे की साइड आ रही थी कली, अब ऊपर की साइड जा रही है डिजाइन। फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये तीन फंदे रह गए हैं तो ये ख़त्म कर लेती हूँ, फिर पांच फंदे ये दिखाती हूँ। अब देखिए पिंक वाली सारे फंदे को मैंने कम कर लिया है तो ये कली बन गई है। अब येलो वाले सारे फंदे को हमें कम करना है, तो देखिए पहली बार में तो ये ऐसे ही बना था, ऊपर की साइड गई थी कली,
उसी तरीके से ये जा रही है। सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो कलर है जिस कलर से उसी से बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तीन फंदे रह गए हैं लो वाली, अब देखिए फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे। सलाई को यहीं से पलट लेना है। शुरुआत में ऐसे ही बनी थी वो कली, ये कंप्लीट हो रही है, वो आधी बनी थी, ये कंप्लीट हो गई है। दो फंदे ये भी छोड़ देंगे, एक ही फंदा बुनेंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब देखिए एक फंदे रह गए हैं, इसे भी हम इस तरीके से पलटते हुए अब सारे फंदे को हम बुनते हुए नीचे तक जाएंगे। देखिए ग्रीन से टोटल फंदे को हमें बुनते हुए इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब एक सिलाई हम सीधी साइड से बुनेंगे। तो देखिए एक फंदा उतारा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और एक बीस। तो देखिए बीस फंदे मैंने डाले थे, तो बीस फंदे ये कंप्लीट हो गए। दस फंदे इस कलर से और पांच पांच फंदे हम दोनों कलर से। तो ये पांच पांच कलर वाली दोनों इसी में आ गई, ग्रीन वाली में, तो टोटल 20 फंदे हो गए। पहली बार में मैं बनाती हूँ ये, तो आधी कली बनती है और ये फुल कली बन जाती है। आधी ये बनती है और आधी ये, और फिर आधी ये बनाती हूँ तो ये फुल कली बन जाती है, और जब इसका आधा बनता है इधर तो ये पूरा फुल डिजाइन बन जाती है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो इसी तरीके से बनेंगे, तो मैं बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है, तो इसी तरीके से बनेंगे। बनने के बाद और काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।